चलिए दोस्तों, और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जिस स्मार्टफोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको 5 सेटअप में आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, तो गाइज आज की इस वीडियो उस स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और पहली बार अगर चैनल में आए तो हर बार की तरह बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिए, टाइप के जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज जान लेते हैं व्हिच इज़ द स्मार्टफोन। होनर का एक नया स्मार्टफोन जो होनर मैजिक 3, जहाँ पर आपको 3 सीरीज, जहाँ पर आपको 2 मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे, एक है प्रो वर्जन, एक है नॉन प्रो वर्जन। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा प्रो वर्जन के बारे में, जो होनर मैजिक 3 प्रो, जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश स्मार्टफोन है, और सबसे बड़ी बात है इसका कैमरा। जी हाँ, सबसे हाईलाइट होने वाली है इसका कैमरा। तो फर्स्ट इसका बात करते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको कार्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, और जो डिस्प्ले बना होगा गाइज 1.07 बिलियन कलर से बना हुआ है डिस्प्ले। और जो इसका अगर साइज के बारे में बात किया जाए तो गाइज यहाँ पर आपको 6.76 इंच में आपको फ्लेक्सिबल OLED टाइप डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे विथ HDR10+ सपोर्टेड देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा गाइज, इसका कलर और कुछ स्पेशल जो फीचर्स है, जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है ये वाटरप्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ है। और उसी के साथ साथ अगर कलर वेरिएंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर गाइज 3 कलर में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, एक है ब्लैक, दूसरी व्हाइट और तीसरी है गोल्डन आवर। जी हाँ, तो गाइज चलिए जान लेते हैं इसका कैमरा सेटअप के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर गाइज जैसे कि आपको बताया 5 सेटअप में आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, 5 सेटअप, तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। जो एक नंबर में आती है वाइड एंगल कैमरा, जो आती है 50 मेगापिक्सल में अल्ट्रा HD इमेजिंग के लिए, जहां पर आपको जो फोकल लेंथ होती है वो आपको 23mm का फोकल लेंथ देखने को मिल जाती है। और सेकंड में आती है 8x8 का DTOF लेजर फोकसिंग सेंसर DHA को देखने को मिल जाती है सेकंड में, जहां पर आपको रियल टाइम टेप इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो खास करके नाइट में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है और बहुत ही ज़्यादा डिटेक्ट करती है, अच्छे से फोटो को डिटेक्ट करती है, उसके बाद फोटो निकालती है। तो चलिए जान लेते हैं जो 3 नंबर पे जो कैमरा है उसके बारे में। तो 3 नंबर में कैमरा है गाइज पेरिस्कोप प्लस फोटो, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल में आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे विथ अल्ट्रा HD इमेजिंग के साथ। इसका जो फोकल लेंथ है वो 90mm का फोकल लेंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, जो सेंसर है उसमें आपको 90mm का फोकल लेंथ देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ गाइज सबसे बड़ी बात है गाइज, उसमें आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाती है आपको 3.5mm का आपको ऑप्टिकल जूम, एंड सबसे बड़ी बात है डिजिटल जूम गाइज 100x तक आपको डिजिटल जूम देखने को मिल जाती है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कैमरा। तो चलिए जान लेते हैं अगला जो 4 नंबर में है उसके बारे में। तो गाइज जो 4 नंबर पे आती है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल। जी हाँ, फर्स्ट में आपको बताया था वाइड एंगल, अब 4 नंबर में आती है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, जो आती है 13 मेगापिक्सल में, जो ऑटो फोकसिंग होगा और जिसमें आपको 13mm का फोकल लेंथ देखने को मिल जाएगा। और ये जो सेंसर है खास करके मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बना हुआ है। जी हाँ, तो आप अगर वीडियोस वगैरह शूट कर पाओगे, वीडियोस वगैरह शूट करना चाहते हो, तो इस बार आप सेंसर को जरूर यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट जो आती है 6 नंबर पे वो है ब्लैक एंड वाइट सेंसर। जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट सेंसर जो आती है 64 मेगापिक्सल में, और इसकी मदद से आप एकदम से लो लाइट में भी आप बेहतरीन फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह आप निकाल पाओगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइज फ़ोन इतनी पावरफुल है तो गाइज ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस भी एक्सलेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल लेवल का चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो क्वालकॉम की तरफ से, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ में आती है। जी हाँ, और उसी के साथ साथ आपको GPU जो ग्राफिक है ट्रूबो X द अल्टीमेट इंजिन आपको देखने को मिल जाती है, जो खास करके गेमिंग के लिए, इसमें अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड गेम वगैरह आप प्ले करना चाहते हो तो भी आप इजिली ऑपरेट कर सकते हो। और एक जो खास बात है गाइज इस स्मार्टफोन के जो फीचर्स में वो है कूलिंग सिस्टम। ज़्यादातर आप गेम यूज़ करोगे, ज़्यादा अगर यूज़ करने से वो फ़ोन हीट हो जाती है
तो ये स्मार्टफोन हीट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हीट कम हो जाएगा, हीट होगा और बट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जहाँ पर इसको कूलिंग सिस्टम काम करेगा। और जो इसका बैटरी और बैटरी बैकअप है गाइस, यहाँ पर आपको लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, जो बैटरी बैकअप है वो आपको 4600 mAh में बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएंगे विथ 66 W का फास्ट चार्जर के साथ। सिक्योरिटी के मामले में आपको इन डिस्प्ले स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर 5G सपोर्टेड है। जी हाँ, 5G 4G सभी सपोर्टेड है। बाकी जो पोर्ट्स वगैरह होती है और जो बाकी फीचर्स होती है आपका वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सिमिलर है गाइज। तो गाइज वो बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो गाइज चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। तो गाइज इसी टाइप के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।